जहां उत्तर प्रदेश में भले ही योगी सरकार कितने बड़े बड़े वादे कर ले, लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारी योगी सरकार की नीतियों को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिला बदायूं ब्लॉक मऊ ग्राम देवरई की बात करते हैं, जहां गरीब लोगों को सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है, लेकिन उसे सरकारी कर्मचारी लोगों तक पहुंचने नहीं देते। ऐसा ही एक मामला जिला बदायूं का सामने आया है, जहां गरीबों को मिलने वाले राशन को कोटेदार कभी पूरा राशन नहीं देता, और अगर देता है तो दुगने पैसे वसूलता है, जिस कारण से ग्रामीण बहुत परेशान है और इसकी शिकायत बहुत बार अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं है। इसकी शिकायत यहाँ के SDM दिनेश कुमार को भी लिखित में दी गई, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, जांच करने की बात कहकर टाल दिया जाता है। ग्रामीण वासियों का कहना है कि जो कोटे का प्रस्ताव पास हुआ था वो ये था, प्रधान के मऊ ब्लॉक में चुपचाप करवाया गया था। ग्रामीण वासियों की शिकायत है कि प्रधान ने अपने भतीजे को कोटे का प्रस्ताव चुपचाप कर दिया, जिसकी वजह से कोटेदार अपनी मर्जी से राशन बांटता है और दुगने पैसे वसूलता है। ग्राम देवरई जो कि ब्लॉक म्याऊ में लगता है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, यहाँ के लोगों की कम्प्लेन है कि यहाँ पे जो कोटेदार है उससे इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, जिसकी कंप्लेंट ये कई बार दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आते जानते हैं कि यहाँ के ग्रामीण वासी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम होगा आपका? सॉरी, ब्रजेश कुमार। हाँ जी ब्रजेश कुमार जी, तो किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है आपको यहाँ के कोटेदार से, किस तरह की असुविधा हो रही है? सही तरीके से कोटे नहीं बांटते हैं, और जो प्रस्ताव किया था वो धांधलेबाजी किया था। अच्छा, या इसकी शिकायत भी आपने पहले कभी की है? वीडियो म्याऊ ब्लॉक के यहाँ की थी, फिर DM साहब बधाइयों की थी, IDM साहब दातागंज की थी, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा जी, तो आप बताइए आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम जसवीर सिंह। हाँ जी जसवीर जी, तो आप बताइए इस बारे में क्या आप क्या कहना चाहेंगे, कोटेदार से किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है आपको? कोटेदार तो पहली बात ये है, बांट रहा है जिन लोगों को, एक एक यूनिट का गल्ला काट रहा है, ठीक है, ज्यादा पैसे लेता है, कम देता है, और गल्ला भी कम दे रहा है। और उसके बाद प्रस्ताव भी हुआ था, वो भी धांधलेबाजी से, म्याऊ ब्लॉक में हुआ था, लेकिन देवरई में नहीं हुआ था, खुली बैठक में नहीं हुआ। अच्छा, इस समय जो राशन देता है या जो गेहूँ और चावल देता है वो क्या रेट बिल देता है? वो रेट जो ज्यादा पैसे ले रहा है। सरकारी रेट क्या होगा? 2 रुपए और 3 रुपए। 2 रुपए किसका है? ये गेहूँ का, और 3 रुपए चावल। कोटेदार और क्या क्या चीज बांटता है? कोटेदार बस यही देता है, चावल गेहूँ। तेल तो हमारे लिए 1 साल से नहीं दिया है। अच्छा, चीनी आज तक नहीं मिली। इसकी कंप्लेंट आपने की हुई है? जी मैंने, वीडियो म्याऊ तहसील दिवस दातागंज दिया मैंने, मंगल दिवस में दी है, SDM साहब को भी दी है मैंने, और फिरमीन सक्सेना को मैंने लिखित दे चुका हूँ, लेकिन कुछ आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई आपने SDM सब कुछ कमेंट दिया, सुनवाई नहीं हुई है। और इसके बारे में आपने कोटेदार से भी बात की, कोटेदार क्या कह रहा है इसके बारे में? कोटेदार तो ये कह रहा है, प्रधान मेरा, कोई क्या कर सकता है, जब आपको शिकायत कर मिले वो करो। कोटेदार सगा भतीजा है उसका, कोटेदार प्रधान का। अच्छा, तो आपका नाम क्या होगा सर? चरण सिंह। चरण सिंह, तो आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही? पैसा मेरे तो पैसा ले ना गल्लम नहीं दिया है, तो आपसे कितना पैसा ले लिया? मैंने 150 रुपए ले लिया, एक पैसा नहीं दिया है। पैसा क्या क्या के लिया था? चावल के, गेहूँ की, कई घर नाते छोड़ दो, ऐसे सब ऐसे बना देते हैं। अच्छा, देते हैं आप सब, देते प्रधान मेरे हो तो कर मिले कर लियो। इसकी जो कंप्लेंट की थी वो आप सब लोगों ने मिलके की थी या फिर किसी एक ने की थी? हाँ जी, सबने मिलके, पूरे सबने मिलके करी, लेकिन जी मानते नहीं है। हाँ। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए कोटेदारी के साथ, और किस तरह की जो है आपको सहूलियत बरती जानी चाहिए? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, कोटा सस्पेंड होना चाहिए कि गरीब जनता के हित में फैसला लिया जाए, सही व्यक्ति चुना जाए जो मतलब गरीब जनता के लिए राशन दे सके, मूल पर दे सके, और मतलब खाद्यान्न काटे ना, उन्हें पूरा दे, और मतलब सही पैसे दें। सरकारी जो कंट्रोल रेट में मतलब मिलता है उसी रेट में, उसी भी मतलब कंट्रोल रेट में देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इसकी शिकायत आपने भी दी है जी।
दे चुके हैं। धरना प्रदर्शन किया था, मतलब डीएम बधाई की यहाँ, जैसे पवन कुमार डीएम थे तब भी दिया था, तैसे अभी भी दिया था, सिर्फ मतलब डीएम सर जो नई आई हैं, मतलब बधाई में अनिता श्रीवास्तव, उनको तहसील दिवस दातागंज में भी लोगों ने दिया है, हम भी साथ गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कंप्लेंट कब दी थी और कितनी बार कंप्लेंट दे चुके हैं? मतलब हमारे ये मतलब सब साथी लोग कम से कम 20 बार कंप्लेंट दे चुके हैं और इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, आज तक किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई। 5, 6, 17 के लिए जो दी है मैंने तहसील दिवस में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने किस किस को कंप्लेंट दी है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। हमने एसडीएम दातागंज, अच्छा, विकास खंड अधिकारी मियाऊ, ठीक है, जिला अधिकारी बदायूं, मैंने इतनी जगह देख पाऊंगा। कितनी बार आपने कंप्लेंट दी है? कम से कम मेरे पास रखी होंगी 15 दरखास्तें। जी जी, किसी ने भी इस पर कोई सुनवाई कोई विचार नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक बार जो है कहा था कि जो है इसकी जो है वो होगी इंक्वायरी, तो ब्लॉक स्तर से जो प्रधान के अपने घर ले जाके गुप्त तरीके से उसकी जो है वो जांच करा के और जो है फाइनल करके कोटा जारी कर दिया गया। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या हम ये चाहते हैं ये दुकान जो है कोटे की निरस्त की और किसी भले आदमी के जो दे सके सबको खुली बैठक में, उसके नाम की जाए खुली बैठक।